सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय, तो फिर से मैं बात करते हैं एक प्रैंक के बारे में जो कि सीरियसली गॉन रॉन्ग हो गया। ये न्यूज बता दूं रशिया से, ठीक है। एक घर में जो हाउस पार्टी चल रहा था उसी टाइम में एक बंदा प्रैंक करने का सोचता है एक लड़की के साथ। लड़की ना किचन में खाना बना रही होती है एंड देन वो वहां पे जाके स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। ऑफ कोर्स पूरा रूम धुआं धुआं हो गया है ना। बेसिकली वो प्रैंक करने का रीजन ये था कि उस लड़की को ये लगे कि घर में जो है आग लग गया। इसके बाद वो जो लड़की है ना वो क्या करती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो गुस्से में आके एकदम गर्म पानी उसके मुंह में फेंक देती है। यस, वो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ब्लर करके दिखाऊंगा। इसके बाद क्या था भाई, वो बंदे को तुरंत से हॉस्पिटल ले गए ना। अभी उस लड़की के अगेंस्ट में कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे, बता दूं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात। प्रियंका त्यागी के बारे में ये बता दूं, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है इनके इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करती है अपने इंस्टाग्राम पर जिसके बाद से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप वो वीडियो देख के समझ जाओगे। आप देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लब में अमीर हैंडसम लड़की को कैसे बचाए विदाउट टेलिंग देम कि हमने उन्हें फंसाया है। सबसे पहले जुगाड़ लगाकर बहुत महंगे क्लब में जाओ, बड़े ध्यान से चारों तरफ अपनी नजरें घुमाओ और टारगेट को लॉक करो। टारगेट मिलने पर सतर्क हो जाओ और अपनी नजरें घुमा लो, उसे बिल्कुल एहसास मत दिलाओ कि आपने उसे देखा है। जैसे ही उसकी नजर आप पर पड़े, आप उस जगह से हिले और उसकी तरफ जाए किसी भी बहाने से, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए। एक बार एटीट्यूड में उसकी तरफ जरूर देखे ताकि वो आपकी खूबसूरती को देख सके और उसे ये जता दे आप कि वो चमन छपरी है और आप है मडोना। टारगेट आपकी खूबसूरती के जाल में बिल्कुल फंस चुका है, अब चुपके से अपना परफ्यूम उसके ऊपर छिड़क दो ताकि वो आपकी खुशबू से निकल ही ना पाए। इतनी मेहनत करने के बाद चुपचाप आकर ऐसी जगह पर छुप जाओ जहाँ से तुम उसे देख पाओ लेकिन वो आपको ना देख पाए। जब वो दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढने लगे तो बस वही हो गया है तुम्हारा मिशन अकम्प्लिश्ड। बस फिर क्या, अपनी दोस्त को बुलाओ, ड्रिंक्स मंगवाओ और पार्टी शुरू कर दो, क्योंकि बिल तो टारगेट ही देने वाला है। बोनस टिप, ऐसे लौंडे सिर्फ बिल देने के लिए होते हैं, दिल देने के लिए नहीं, क्योंकि ये नल्ले होते हैं। बाय बाय। उस वीडियो के टॉप कमेंट्स क्या क्या आ रखे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता भाई। बाकी क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, सिंगर शुभ के बारे में। आपको पता होगा लास्ट ईयर इनके अराउंड काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था। इन्होंने एक डिस्टॉर्टेड मैप शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जिसके बाद से भाई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था। उनका ऑल इंडिया टूर कैंसिल हो गया था, विराट कोहली ने उस टाइम पे उनको अनफॉलो कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, उनका एक कॉन्सर्ट के दौरान वो जो एक कॉन्ट्रोवर्सियल हुडी पहनते दिखाते हैं जिसके बाद से फिर से वो कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए। उस दौरान कंगना रनौत भी जो है सिंगर शुभ के अगेंस्ट में बोल रही थी ना। तो रिसेंटली शुभ का जो न्यू ईपी आउट हुआ है जहाँ पे 4 सॉन्ग्स है, ईपी का नाम है लियो। उस ईपी में एक सॉन्ग है, ठीक है, किंग सिट, जहाँ पे उन्होंने कंगना रनौत को डिस किया है। यस, वो क्या कहे अपने सॉन्ग में आप देखिए। उनका कहने का बेसिकली यही मतलब है कि खुद का मूवी नहीं चल रहा है, वो बात कर रही है। आपको बताओ लास्ट ईयर कंगना रनौत का तेजस मूवी रिलीज हुआ था जो कि फ्लॉप हो गया, उसी के बारे में शायद से बात कर रहे थे। और क्या शुभ ने विराट कोहली के ऊपर भी सबलिमिनल शॉट्स लिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है ना ये सुन के। कंगना रनौत ने रिएक्ट नहीं करा एंड ऑल्सो विराट कोहली ने भी रिएक्ट नहीं करा। शायद विराट कोहली तो रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन शायद कंगना रनौत का रिएक्शन हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, क्रेजी दीप के बारे में। क्रेजी दीप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया थाराभाई जोगिंदर एंड पुनी सुपरस्टार के ऊपर। यस, अगर आपने नोटिस किया आपको पता होगा थाराभाई जोगिंदर पुनी सुपरस्टार जो है गरीबों का मदद करते हुए वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना जिसमें मिलियंस व्यूज आते हैं। और जो आजकल तो वो हिंदू रिलीजन के ऊपर भी वीडियोस वगैरह बना रहे, तो उसको कॉल आउट करते हैं ना क्रेजी दीप अपने वीडियो में। मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टेटमेंट देके सॉफ्टली टारगेट करते हैं कुछ ऐसे हिंदू को, धर्म के नाम पे भैया फुद्दू हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद मेरे कट्टर हिंदू शेर ने श्री राम और माता रानी की कसम खिलाई है, तो यार शेयर तो करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कर दो, तुम्हें माता रानी की कसम है, तुम्हें ना श्री राम जी कसम है, उससे मेरा क्या फायदा। अब देखो भैया, जो मूर्ति तोड़ना है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं भी इनके खिलाफ हूँ, लेकिन जो वीडियो इन लोगों ने दिखाई है उसके अंदर जो मूर्ति तोड़ी जा रही है वो एक राक्षस महिषासुर की है। मेरे हिंदू शेर को धर्म का ज्ञान है बराबर, रिसर्च करेंगे बराबर, लेकिन वीडियो बना के निकल गया भैया दंगे कराने है मुझसे कोई स्मार्ट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, यूके जेरोसेवन राइडर के बारे में। तो क्या यूके जेरोसेवन राइडर इस साल शादी करने वाले हैं? रिसेंटली वो गए थे भारती के शो में, ठीक है। ऑफकोर्स वो एपिसोड तो आउट नहीं हुआ लेकिन जब वो एपिसोड शूट हो रहा था ना उसी दौरान का क्लिप यूके जेरोसेवन राइडर अपने व्लॉग में डाले ना आप देखिए। शादी का कब इरादा है? तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, फुकरा इंसान के बारे में। तो संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा कॉन्ट्रोवर्सी आपको पता ही होगा। तो फुकरा इंसान इस कॉन्ट्रोवर्सी में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? रिसेंटली वो अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया ना, वो क्या कहे आप खुद देखिए।
मामले में आज औरत को नीच रूप में देखा जा रहा है। अरे नीच देखने वालों, आप अपने देश अपने घर को नीच कर रहे हो। उस समय बिस्तरा लगा, खाना बना, जूते पॉलिश कर घर में बैठ के, महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले। वेरी सैड टू हियर विवेक बिंद्रा सर, जो आपकी वाइफ के आपने गलत करा। मतलब मैं बड़ा हैरान था क्योंकि इनकी वीडियोस मेरे हिसाब से सबने यूट्यूब पे जो जो है उन्होंने देखी होगी। और अब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई आई फील जो लड़के लाइक जो मेन अपनी वाइफ पे हाथ उठाते हैं या फिर उसको कुछ मतलब फिजिकली अब्यूज करते हैं, दे आर द मोस्ट वीकेस्ट मेन ऑन दिस प्लैनेट। मोटिवेशन गया तेल लगाने, तू पहले कंट्रोवर्सी देख। नाइस। वैसे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा फेमस होने का तरीका तो यही है कि दो जाने बीफ कर लो, सबको मजा आता है कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। और द कंट्रोवर्सी जितना मैं समझा हूँ, संदीप सर इज वेरी राइट एंड फुल सपोर्ट संदीप सर, वी आर विद यू। तुम लोग कह रहे हो तुम्हारे साथ होने से क्या है मतलब तुम हमें रोस्ट कर सकते हो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऐसा ही है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, साकिब अल हसन के बारे में। तो साकिब अल हसन का गुस्सा आपको पता ही होगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना। अभी उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ना, जहाँ पे अपने एक फैन को थप्पड़ मार देते हैं। भाई यस, बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट जो है पोलिंग स्टेशन से, जहाँ पे साकिब अल हसन वोट देने गए। अब उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा उसका एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लोग उनको घेर रखे थे ना, शायद वहीं पे कुछ हो गया, उन्होंने जो थप्पड़ मार दिया ना। तो ये वीडियो अभी काफी ज्यादा ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुंबई के एक पुलिस के बारे में, जिनके साथ जो ऑनलाइन स्कैम हो गया। यस, उनको ना एक कॉल आता, ठीक है, जहाँ पे वो स्कैमर अपने आपको बैंक का एम्प्लॉई बोलता है एंड वो बोलता है कि आपको अपना बैंक का केवाईसी अपडेट करना है। एंड वो पुलिस वाले जो डर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो हाउसिंग लोन ले रखा था। एंड वो स्कैमर ने बोला कि अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करते हो तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए वो स्कैमर जो भी बोलता है वो करते हैं, वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। फिर वो स्कैमर उस ऐप में ना उनका डेबिट कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालने के लिए बोलता है, वो करते भी है। इसके बाद क्या था भाई, उनके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए उसने चोरी कर लिया स्कैमर ने। अभी पुलिस वाले जिनका नाम है हेमंत गुरव, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया इस मामले। भाई देख लो, पुलिस के साथ स्कैम हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो भाई सावधान रहे, सतर्क रहे और न्यूज बॉय देखते रहे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, विद्या बालन के बारे में। वैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना कि विद्या बालन भूल भुलैया 3 मूवी में होंगी एस मंजुलिका। यस, विद्या बालन का मंजुलिका का कैरेक्टर आपको पता होगा काफी खतरनाक है। तो इसके ऊपर ना आशीष संसलानी भी रिएक्ट करे, मैन मेक दिस ए नो वे होम मोमेंट एंड कन्विंस किंग टू कम बैक, दिस विल सेट स्क्रीन्स ऑन फायर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, 12 फेल मूवी के बारे में। आपको पता होगा ये मूवी कितना ज्यादा हिट हो चुका है, इसने रिकॉर्ड भी बना दिया भाई, 12 फेल बन चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मोस्ट वॉच्ड फिल्म ऑफ 2023। अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देख लिया है तो अपना रिव्यू जरूर से कमेंट करके बताना, मैं भी आज देख लूंगा यार, मैंने भी देखा नहीं है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, सीमा द्विवेदी के बारे में। बता दूं, ये जो उत्तर प्रदेश कानपुर की एक डॉक्टर है, आपको पता होगा 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर का इनॉग्रेशन है जो कि भयंकर होने वाला भाई। तो सीमा द्विवेदी रिसेंटली रिवील की कि बहुत सारे वुमन ना 22 जनवरी को ही अपना डिलीवरी करना चाहते हैं। यस, वो क्या कही आप खुद देखिए। सी टिल डेट आई हैव रिसीव्ड सच रिक्वेस्ट फ्रॉम अराउंड 12 टू 14 pregnant women and definitely they are very much happy with the 22nd January date and they are all requesting that it is better that if they get their delivered by around 22nd January. But patients are also very sensible, they know that delivery can be at any time, but it is their request that it will be better. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, पंकज त्रिपाठी के बारे में। इनका मूवी आपको पता होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर है ना, जहाँ पे उन्होंने सुल्तान कुरैशी का रोल प्ले किया था। तो रिसेंटली वो गए थे आपकी अदालत में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने रिवील किया कि बहुत सारे रियल लाइफ गैंगस्टर्स उनको अप्रोच किए थे आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म रिलीज। उन्होंने बताया उस टाइम पे बहुत सारे गैंगस्टर्स मुझे आइडल मानने लगे थे। खतरनाक भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, रणबीर कपूर के बारे में। तो एनिमल मूवी आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, रिसेंटली उस मूवी का ना सक्सेस पार्टी था, ठीक है। आपको पता होगा एनिमल मूवी को जो काफी सारे लोग क्रिटिसाइज भी किया है ना, तो उन्हीं क्रिटिसिज्म के ऊपर रणबीर कपूर रिएक्ट करे। उन्होंने कहा ये एक फिल्म है जिसे देखकर कुछ लोगों को इशू हुआ, बट मैं फील करता हूँ कि जो प्यार मिला इस फिल्म को, उसे बॉक्स ऑफिस में इतना अच्छा परफॉर्म किया, वही प्रूफ करता है लोगों का प्यार फॉर ए मूवी। रिसेंटली बता दो, जावेद अख्तर ने भी क्रिटिसाइज किया था ना उस मूवी को, जो मूवी में लिक माय इशू सीन है उसको लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ना। उन्होंने कहा था कि एनिमल जैसा मूवी बॉक्स ऑफिस में इतना सक्सेसफुल हो रहा है वो डेंजरस है। इसके बाद से एनिमल मूवी के मेकर्स ने भी रिप्लाई कर दिया था ट्विटर पर, यह ऐसा पॉज करके रीड कर सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव एंड लव कटारिया को पुलिस ने पकड़ लिया भाई गोवा में, क्या हुआ था आप खुद देखिए। कटारिया उधर ले ले, वापस होटल में ले ले कटारिया। कटारिया पुलिस वाले तो भगा दू। नहीं यार, ये तो उम्मीद नहीं थी, अब ये दोबारा ना पकड़ लेंगे तुझे। सेफ्टी नॉट जो, हां हमें कौन पकड़ सकता है, सिस्टम है, हमें दोबारा पकड़ेंगे तुझे। देख सिस्टम खोखला लगा तेरा, सारे देख पैर लिया, यही चेक कर रहा था मैंने, कहा कहीं थी कटारी पुलिस खड़ी है बाहर, पर नहीं, मैं कह रहा डैंड्रफ हो जाएंगे किसी और का लगाया। अब पता क्या करियो,
इधर से लेगा, उन्हें समझ आ जाएगी तू ही है। अबे चलना, अभी रोकेंगे। ये ले। मैं दे दे कटारिया लाइसेंस दे दे। हाँ भाई कटारिया 500 रुपया जो कह रहा पकड़ लिया उसने हमको, कह रहा पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कहाँ तक छुपेगा भाई। बढ़िया पुलिस वाला था, पर नो डाउट उसने हमसे मांगे 3000 रुपया और हम 500 दे आए, हमने 450 रुपया देखा है, साढ़े पूरा बता रहा। मैं मानता हूँ, कह रहे हो अरे भाई ये कर दो वो कर दो, उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए तुमसे, रिश्वत कैसे ले ली, ये देखो गलत है, बिल्कुल गलत है। पर हम तो जब करने चाहिए जब हम सही हों। इसने अभी तो हेलमेट ना पहरा था, यहाँ तक निकटती मैंने इससे कही थी, मैं हेलमेट पहन ले, पर बेकूफ को बच्चा हेलमेट नहीं पहरा इसने एक बार भी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उसके बाद यार उसका बिहेवियर भी ठीक था ना, उसने कोई गाड़ी गलोच करी जिससे हमारा ट्रिगर हो। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात, बी प्राग के बारे में। तो बी प्राग का ना उत्तर प्रदेश में कॉन्सर्ट था, ठीक है, जिसको बहुत जल्द एंड करना पड़ा ओवर क्राउडिंग की वजह से। ये जो वेन्यू था ना वहाँ पे सिर्फ 5000 लोगों का कैपेसिटी था, बट भाई 15000 के अराउंड लोग आ गए थे, जिसके बाद से भाई क्राउड को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, एंड वो कॉन्सर्ट को जल्दी ही बंद करना पड़ा। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।